हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कतर एयरवेज एयरलाइन कंपनी के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इस मंथ में, और उसके डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊँगा। और जो जो लोग यहाँ पर एयरलाइन कंपनी के लिए प्रिपेयर हो रहा है जॉब के लिए, उसका भी यहाँ पर आपको जो कि एडवांटेज मिल सकता है अगर इस कतर एयरवेज एयरलाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे नॉट ओनली जस्ट केबिन क्रू या पायलट के जो रिक्रूटमेंट निकला होता है, यहाँ पे बहुत सारे और भी जो कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट या पोस्ट जो है आपको, उसका भी आप अप्लाई सेम तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो कि कतर एयरवेज के जो आपको ऑफिशियल करियर पेज है, आपको यहाँ पे आना होगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इस पेज में आ सकते हैं। तो इस पेज में आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जो कंट्री है, उस कंट्री के बहुत सारे जो कि यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों, आप घर बैठे बैठे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका जो कि एयरलाइन जॉब के ड्रीम है, आप पूरा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप घर बैठे बैठे। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन कंट्री या कौन कौन सिटीज़ में यहाँ पर आपको जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है कतर एयरवेज की तरफ से। इसके साथ साथ किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते, सब कुछ डिटेल में आप लोगों के साथ बात करूँगा। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कतर एयरवेज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन आवर वर्ल्ड, एंड इस तरह की कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपको जो कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा जो कि पैसा आप अर्न कर सकते हो, आपका जो कि फैमिली जो कि और भी ज़्यादा जो कि डेवलप हो सकता है फेस का जॉब के लिए। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है। तो दोस्तों, फर्स्ट जो पोस्ट निकला हुआ है, डाटा स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट एनालाइज्ड कतर एयरवेज दोहा कतर। उसके बाद है कार्गो नेटवर्क प्लानिंग एनालाइज्ड कतर एयरवेज दोहा। उसके बाद है कस्टमर सर्विस एजेंट हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। तो दोस्तों, दोहा में यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ था, इस तरह की बहुत, इस सिर्फ दोहा में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे कि इंडिया में भी बहुत सारे जो कि पोस्ट निकला हुआ है इस तरह से। यहाँ पे आपको जैसे कि एयरपोर्ट सर्विस एजेंट कतर हुआ है मुस्कार, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे कार्गो रिसोर्स प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके फिलीपींस में आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। उसके साथ साथ मार्केटिंग ऑफिसर के, जिसके कतर एयरवेज सिंगापुर में आपको मिल जाएगा जॉब। उसके साथ साथ अकाउंट मैनेजर कॉरपोरेट कतर एयरवेज न्यूयॉर्क में आपको जॉब मिल, इस तरह से आपको इंडिया में भी आपको बहुत सारे जो कि आपको जॉब मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वन बाय वन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप सिर्फ हर एक पेज में जाके चेक करना होगा कि इंडिया में क्या क्या पोस्ट जो कि रिसेंटली निकला हुआ है। जो जो पोस्ट इंडिया में निकला, अगर आप चाहते हैं इंडिया में रह के काम करना, तो आप उस पोस्ट के लिए वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह की आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आप जिस भी पोस्ट के लिए आपको लगता है कि इस पोस्ट के लिए आपको जो कि क्वालिफाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते, उस पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जो उस पोस्ट के या उस जॉब के डिटेल्स है आपके सामने यहाँ पे चला आएगा। उसके बाद आप उस डिटेल जो कि एक बार पढ़ के उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका डिटेल्स मैं आप लोग को बता देता हूँ, डाटा स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट एनालाइज कतर एयरवेज दोहा के। तो दोस्तों, इसके ऑर्गेनाइजेशन जो है कतर एयरवेज, जॉब फंक्शन जो है कार्गो, एंड डिविजन जो है कार्गो डिविजन, एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है फुल टाइम परमानेंट जॉब है, सिटी है मिडिल ईस्ट कतर दोहा, और लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2018, इसका लास्ट डेट है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से कि आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन एंड आपको प्राइवेसी के जो कि एक पेज दिया जाएगा, जिस पेज में आपको आई एक्सेप्ट या एक्सेप्ट जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा।
उसके बाद और एक पेज आएगा जिसको भी आपको सेम आपको आई एक्सेप्ट जो कि है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा एप्लीकेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन में आपको ईमेल आईडी पासवर्ड एंड आपका कॉन्फर्म पासवर्ड करना होगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको इसका जो पेज दिया जाएगा, इस एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपको भरना होगा। उसमें से आपको आपका पर्सनल डिटेल्स, आपका एडुकेशनल डिटेल्स एंड आपका जो कि रिज्यूम है आपको वहाँ पे अटैच करके सबमिट कर देना होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना, अगर आपका रिज्यूम या आपका एप्लीकेशन अगर शॉर्टलिस्टेड या सिलेक्टेड हो जाता है इस पोस्ट के लिए, तो उसके बाद आपको कॉल करेगा इस कंपनी के तरफ से इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपको इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। कोई भी आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन या कोई भी ग्रुप डिस्कशन कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आपको इंटरव्यू के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों इस तरह से कतर एयरवेज के जो जो और भी पोस्ट निकला है आपसे प्रोसीजर फॉलो करके अप्लाई कर सकते आप इस पोस्ट इस कंपनी की और भी पोस्ट के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके अलावा अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन करने के लिए, तो आप लोग मेरे को कॉमेंट करके या मेरे फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज दिया हुआ है लिंक, आप लोग वहाँ पर जाके आपको मेरे को SMS करके मेरे को पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपको जो कि प्रॉब्लम हो रहा है एप्लीकेशन करने में, उसका डिटेल मैं आप उसका सोल्यूशन मैं जल्द से जल्द आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए यही वीडियो है, अगर आप लोग पसंद आया लाइक जो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स।